हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमरजेंसी ड्रग के बारे में। आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा इमरजेंसी ड्रग के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना, कोई भी वीडियो आप लोग मिस मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हर एक पॉइंट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको ये सारी बात जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना देर के स्टार्ट करने से पहले, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी लोग एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण बात है आपको बता देता हूं, और आप भी लोगों को बता सकते हैं कि यह वीडियो जो बनाया जाता है केवल आपके जानकारी के लिए। किसी को भी कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपके बीमारी को देखते हैं फिर उस हिसाब से दवाओं को देते हैं। ठीक, चलिए इमरजेंसी ड्रग जो हम लोग बात करने वाले हैं उसका यहाँ पर लिस्ट आपको बना दिया हूँ। पहले हम लोग एट्रोपिन सल्फेट के बारे में बात करेंगे, फिर माइडाजोलम की बात में बात करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे डेक्सट्रोज 25 के बारे में, NS3% के बारे में बात करेंगे, एड्रीनलिन, प्रोफाल, विटामिन के, एविल, उसके बाद ट्रेनेक्समिक एसिड हो गया, मैनिटॉल हो गया, डोपामिन इंजेक्शन हो गया। तो ये कुछ जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, इमरजेंसी ड्रग होते हैं। इमरजेंसी ड्रग के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के केसेस में ज़्यादातर यही सारी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से बात करते हैं। लेकिन एक काम और है कि सभी लोग जल्दी से जाइए, चेक करिए, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेना, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा आपके मोबाइल के होम पेज पर ही मिल जाए। ठीक, सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन जो इमरजेंसी ड्रग हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो है वो है इंजेक्शन एट्रोपिन। अब देखिए इंजेक्शन जो होता है इसमें आपको जानना पड़ता है, जैसे इंजेक्शन की हम बात कर रहे हैं अगर, तो इंजेक्शन में आपको जानना चाहिए इंजेक्शन का काम क्या है। उसके बाद आपको उनका राउट मतलब किस माध्यम से इसको लगाना है, एक हमारा IV होता है, एक हमारा IM होता है, तो ये सारी बात आपको जानना चाहिए कि दवाओं को किस हिसाब से हमें लगाना है, ये भी बातें जानना चाहिए। तो इमरजेंसी ड्रग में सबसे पहला जो ड्रग हमारा आता है वो होता है एट्रोपिन इंजेक्शन। अब एट्रोपिन इंजेक्शन को तीन माध्यम से भी लगा सकते हैं, इंट्रामास्कुलर भी लगा सकते हैं, इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं, यस्सी के द्वारा भी इसको लगा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एट्रोपिन इंजेक्शन जो होता है इसका यूजेज क्या होता है, तो जब हमारा हार्ट बीट जो होता है वो स्लो हो जाता है, ठीक, एंड एंटीडोट, उसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाता है, तो उस केसेस में हम लोग एट्रोपिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट हमारा सही से काम नहीं करता है, हार्ट बीट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, वर्किंग काम करना धीरे कर देता है, तो उस केसेस में एट्रोपिन इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो अगर हार्ट बीट किसी का स्लो हो जाता है तो ये केस तो हमारा इमरजेंसी ही होता है, तो इमरजेंसी के केसेस में इमरजेंसी ड्रग का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हार्ट बीट स्लो हो जाता है तो इसमें इमरजेंसी ड्रग का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी ड्रग जो हमारा पहला है वो है एट्रोपिन इंजेक्शन, जो कि हार्ट बीट स्लो को मेंटेन करने के लिए इसको लगाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को इतनी बात, ध्यान से वीडियो को रोक करके अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका ले सकते हैं। अगले इमरजेंसी ड्रग के बारे में बात करते हैं, अगला जो हमारा दूसरा है वो है इंजेक्शन माइडाजोलम। माइडाजोलम जो होता है इसको आप लोग दो माध्यम से लगा सकते हैं, मांस में भी लगा सकते हैं इसको, IM का मतलब क्या होता है, इंट्रामास्कुलर, मतलब मांस के अंदर इसको लगा सकते हैं। IV अगर लिखा गया है तो इसका मतलब इस दवा को आप लोग, इस इंजेक्शन को नस में लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए माइडाजोलम जो इंजेक्शन है, आप लोग दवाओं को जूम करके देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर ऊपर साफ साफ लिखा रहता है। इसको अपने से बना करके नहीं बता रहा हूँ कि इसको IM लगाना है कि IV लगाना है। तो माइडाजोलम इंजेक्शन जो होता है इसको इंट्रामास्कुलर या फिर इंट्रावेनस दोनों तरीके से आप लोग इसको लगा सकते हैं। एनेस्थेसिया के केसेस में इसको लगाया जाता है, एनेस्थेसिया अगर हो जाता है किसी को तो उस केसेस में, या फिर रिलीव करता है, एंजाइटी में भी रिलीव ये देता है, तो उस केसेस में हम लोग माइडाजोलम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा इमरजेंसी ड्रग होता है। अगला इमरजेंसी ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं, तीसरा हमारा ये इमरजेंसी ड्रग है। तीसरा इमरजेंसी जो ड्रग है इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो इंजेक्शन होता है इसको इंट्रावेनस मतलब इसको नस में लगाया जाता है। ठीक, अगर बात करें जो पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन होता है ये किस लिए लगाया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का डिफिशियंसी जब हमारे बॉडी में हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के केसेस में उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, इमरजेंसी ड्रग होता है।
इसी के साथ हम लोग अगला इमरजेंसी ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला इमरजेंसी जो ड्रग होता है वो होता है, क्या होता है, डेक्सट्रोज 25%। डेक्सट्रोज 25% जो होता है ये क्या होता है, ये होता है, इसको लगाया जाता है कहाँ पे, नसों में, आईवी इन्फ्यूजन केवल लगाया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, मतलब इस इंजेक्शन को नस में लगाया जाता है। अब आप लोग जानिए, जैसे मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस में जब हम कोई भी इंजेक्शन को जैसे हमारे हाथ है इसके नस में अगर लगाते हैं तो नस में लगाने से ये बहुत तेजी से असर दिखाता है। मांस में लगाते हैं तो धीरे धीरे करके वो हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, तब जा करके वो असर दिखाता है, लेकिन अगर नस में लगाते हैं कोई इंजेक्शन तो उसका असर बहुत तेजी से होता है। तो ये इमरजेंसी के केसेस में ज्यादातर जो इंजेक्शन होती हैं वो आईवी ही लगाया जाता है। तो जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25%, ये किस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, अगर किसी को ग्लिसमिया, हाइपोग्लिसमिया हो गया है, मतलब ग्लिसराल जो होता है वो कम हो जाता है बॉडी में, हाइपोग्लिसमिया हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर बॉडी में फ्लूड लॉस हो जाता है अगर, तो उसको भी प्रिवेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी मेंटेन करने के लिए डेक्सट्रोज 25% का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका दो केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, हाइपोग्लिसमिया के भी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर बॉडी में फ्लूड लॉस हो गया है तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हमारा इमरजेंसी ड्रग होता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं NS3%। NS3% जो होता है ये भी देखें, जितना इमरजेंसी ड्रग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है इंजेक्शन होता है जो इमरजेंसी वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रावेनस ही होता है, नसों में ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसका असर बहुत तेज़ी से होता है और बहुत जल्द रिलीफ देता है, तो इस केसेस में आईवी लगाया जाता है। तो ये भी जो हमारा होता है ये भी हमारा क्या होता है, इंट्रावेनस होता है। अगर हम लोग बात करें कि NS3% का जो इंजेक्शन होता है इमरजेंसी ड्रग ये होता है, ये किस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो होता है शॉर्ट टर्म होता है फ्लूड के रिप्लेसमेंट के लिए और डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म का ट्रीटमेंट होता है। ठीक, तो ये भी इमरजेंसी के केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ अगला इमरजेंसी ड्रग के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला इमरजेंसी ड्रग है वो इंजेक्शन फॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इंजेक्शन जो होता है इसको तीनों माध्यम से लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर हो गया, GSC हो गया, इंट्रावेनस हो गया, ये तीनों माध्यम से इसको लगाया जाता है। अगर हम लोग बात करें यूज क्या होता है, अगर एलर्जी ज़्यादा हो गया है, एलर्जिक रिएक्शन किसी को ज़्यादा हो गया या फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो इस केसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एड्रेनलिन इंजेक्शन का। समझ गए आप लोग। चलिए अगले इमरजेंसी ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला इमरजेंसी जो ड्रग होता है वो होता है इंजेक्शन प्रोफाल। इंजेक्शन प्रोफाल जो होता है इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है इंट्रावेनस। देख रहे हैं ना आप लोग, इमरजेंसी ड्रग जितने सारे हम लोग बात कर रहे हैं, जितने सारे इमरजेंसी ड्रग की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो ड्रग होते हैं, वो सारे के सारे जितने इंजेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, इंट्रावेनस लगाए जाते हैं। अब ये जो होता है किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, ये ट्रीटमेंट के लिए होता है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द पुट टू स्लीप एंड कीप स्लीप ड्यूरिंग द जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया के लिए, सर्जरी के लिए, मेडिकल प्रोसीजर के केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन प्रोपोफाल का। ठीक, समझ गए आप लोग। इसी के साथ जो हमारा होता है ये क्या होता है, विटामिन के इंजेक्शन, ये भी इमरजेंसी ही ड्रग होता है, इसको IM इंट्रामास्कुलर और इंट्रावेनस दोनों केसेस में लगाया जाता है। अगर किसी को ब्लड क्लाटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड क्लाट नहीं हो रहा है सही से, ब्लड कहीं पर जम गया है, तो उस केसेस में हम लोग, ब्लड अगर जम जाता है, ब्लड का क्लाटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस केसेस में हम लोग विटामिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और विटामिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल इंट्रामास्कुलर और इंट्रावेनस दोनों कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला इंजेक्शन जो होता है ये भी इमरजेंसी ही होता है, अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो उस केसेस में हम लोग एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और एविल इंजेक्शन जो होता है इसको इंट्रामास्कुलर और इंट्रावेनस दोनों माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक, तो एविल इंजेक्शन जो होता है ये आप लोगों को पता ही होगा, एविल इंजेक्शन जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीटमेंट के लिए लगाया जाता है, जैसे किसी को एलर्जी ज़्यादा हो गया है किसी चीज़ का, तो उस केसेस में हम लोग एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर एविल इंजेक्शन को आप लोग मांस में लगा रहे हैं तो भी सही है, नसों में लगा रहे हैं तो भी सही है। आप लोग देख सकते हैं ये अपने से बना करके नहीं लिखा गया है, ये कहां से देख करके, अगर आप इंजेक्शन लगाने जाएंगे तो आप जूम करके देखेंगे तो यहां पर आपको इंजेक्शन पर ही लिखा मिल जाएगा कि इस इंजेक्शन को आपको इंट्रावेनस लगाना है कि इंट्रामास्कुलर लगाना है, या फिर दोनों माध्यम से लगा सकते हैं, एकदम साफ साफ आपको लिखा मिल जाएगा, उसी हिसाब से लगाया जाता है। अगला जो इंजेक्शन हम लोग बात करने जा रहे हैं ये भी इमरजेंसी ड्रग ही होता है, और ये भी हमारा जो होता है इंट्रावेनस माध्यम से ही इसको भी लगाया जाता है। अगला जो हमारा इंजेक्शन है वो है क्या है, ट्रैनेक्समिक एसिड। ट्रैनेक्समिक एसिड जो होता है ये इंट्रावेनस लगाया जाता है केवल और केवल, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग ट्रैनेक्समिक एसिड इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग, किसी भी केसेस में अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केसेस में हम लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इस इंजेक्शन को केवल नसों में ही लगाया जाता है, मांस में नहीं लगाया जाता है, इसको नस में ही लगाया जाता है। आप लोग यहाँ पर इसको जूम करके इंजेक्शन में देखेंगे, ट्रैक्सनेमिक एसिड को आप लोग जूम करके इस इंजेक्शन को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये इंजेक्शन जो होता है ये कहाँ पर लगाया जाता है, ये केवल और केवल नसों में ही लगाया जाता है।
अगले इमरजेंसी ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला इमरजेंसी जो ड्रग है ये हमारा है इंजेक्शन मैनिटॉल। मैनिटॉल इंजेक्शन जो होता है ये केवल और केवल क्या लगाया जाता है, इंट्रावेनस ही लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को भी कहाँ पे लगाया जाता है, नस में ही लगाया जाता है। अगर आप बताइए मैनिटॉल इंजेक्शन जो होता है ये किस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को मान लीजिए स्वेलिंग ज़्यादा हो गया है। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर सूजन ज़्यादा हो गया है, स्वेलिंग हो गया है ज़्यादा, तो उस केसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्वेलिंग को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, प्रेशर इनसाइड दी आइज अराउंड दी ब्रेन, ठीक, तो इस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्वेलिंग हो जाता है कहीं पर तो उस केसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इस इंजेक्शन को लगाया जाता है इंट्रावेनस के माध्यम से, मतलब नसों में इसको लगाया जाता है। इसी के साथ अगला जो इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो कि इमरजेंसी ड्रग भी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इंजेक्शन के बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, इंजेक्शन फॉर डोपामिन। डोपामिन इंजेक्शन जो होता है, पहली बात तो इसको लगाया जाता है इंट्रावेनस, इस इंजेक्शन को नसों में लगाया जाता है। डोपामिन इंजेक्शन को कहाँ पर लगाया जाता है, पहला इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन का नाम क्या है, डोपामिन। डोपामिन इंजेक्शन को कहाँ पर लगाया जाता है, इंट्रावेनस लगाया जाता है, मतलब नसों में लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको कब लगाया जाता है, तो अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या फिर शॉक हो जाता है या फिर हार्ट अटैक आ जाता है या फिर ट्रोमा हो जाता है, तो उस केसेस में हम लोग इस डोपामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वो भी इमरजेंसी ही केसेस होता है, हार्ट अटैक आ जाता है तो इससे बड़ा इमरजेंसी बात क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो गया है, तो ये सारी के सारे इमरजेंसी बीमारी, इमरजेंसी केस है, तो इस केसेस में हम लोग इमरजेंसी ड्रग इंजेक्शन डोपामिन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं, इतना बात आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाएं दबा लीजिएगा। एक बार पूरा का पूरा इंजेक्शन का नाम बोल दे रहा हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं फिर से रिवीजन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे इंजेक्शन डोपामिन के बारे में बताएं आप लोगों को, मैनिटॉल इंजेक्शन के बारे में बताएं, उसके बाद ट्रेनेक्समिक एसिड के बारे में इंजेक्शन के बारे में बताएं, फिर इमरजेंसी ड्रग में एविल के बारे में बताएं आप लोगों को, फिर बताएं इंजेक्शन विटामिन की के बारे में, विटामिन के इंजेक्शन भी होता है, उसके बाद प्रोफाइल इंजेक्शन होता है, ये भी हमारा इमरजेंसी ही ड्रग होता है, उसके बाद इंजेक्शन एड्रेनलिन के बारे में आप लोगों को बताएं, इंजेक्शन NS3% के बारे में बताएं आप लोगों को, फिर आप लोगों को बताएं डेक्सट्रोज 25% के बारे में, फिर आप लोगों को बताएं पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन के बारे में, और फिर बताएं आप लोगों को माइडाजोलम इंजेक्शन के बारे में, और इसी के साथ एक और बताएं आप लोगों को इंजेक्शन एट्रोपिन के बारे में, और ये तो पूरा का पूरा लिस्ट आपका बना हुआ है। तो इसी के साथ पूरा का पूरा इमरजेंसी ड्रग आपका होता है कंप्लीट। अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ छूटा हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और भी अगर किसी टॉपिक के बारे में आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग अपना टॉपिक दीजिएगा, उसी हिसाब से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।